की बड़ी खबर के साथ जो पन्ना से हमारे पास आ रही है, जहां निजी स्कूल की शर्मनाक करतूत सामने आई। दो बच्चों की टीसी पर लिखा है चरित्र खराब है, टीसी पर लिखा अभिभावकों का व्यवहार खराब है, फीस नहीं चुकाने पर। ज्ञानंजली हाई स्कूल ने लिखा है चौथी क्लास के दोनों छात्र बताए जा रहे हैं। इस दौरान बच्चों के पिता ने कलेक्टर से लगाई है मुहर, गुहार लगाई है। पन्ना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निजी स्कूल की शर्मनाक करतूत सामने आई। बच्चों के पिता ने कलेक्टर से गुहार लगाई फीस नहीं चुकाने पर। ज्ञानंजली हाई स्कूल ने लिखा टीसी पर अभिभावकों का व्यवहार खराब है, दो बच्चों की टीसी पर चरित्र खराब है लिख दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अगर फीस नहीं चुकाई जाएगी तो इस तरह से व्यवहार किया जाएगा स्कूल के द्वारा, टीसी पर लिख दिया जाता है चरित्र खराब है। आप खुद सोच समझ सकते हैं कि दो बच्चे जो कि चौथी क्लास के हैं उनका चरित्र आखिर कैसे खराब हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुशांत। सुशांत, इस मामले को लेकर पूरी अपडेट क्या है? तो तकनीकी कारणों से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन हमारी स्पेशल टीम एक बार फिर कोशिश करेगी सुशांत से जानकारी लेने की। तो टीसी पर अभिभावकों का व्यवहार खराब लिख दिया गया है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि कुछ कारणों से फीस नहीं चुका पाए थे अभिभावक, और जब टीसी के लिए अभिभावक स्कूल जाते हैं तो टीसी पर लिख दिया जाता है चरित्र खराब है। ज्ञानंजली हाई स्कूल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस दौरान बच्चों के पिता ने कलेक्टर से गुहार लगाई है। फीस नहीं चुकाने पर स्कूल ने टीसी पर लिख दिया खराब व्यवहार। चौथी क्लास के ये दोनों बच्चे बताए जा रहे हैं आखिर कैसे व्यवहार खराब होगा और कैसे चरित्र खराब होगा, ये सोचने वाली बात है। एक बार फिर सुशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत, क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से बताइए। सुनील जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो अभिभावक हैं ये पन्ना के माझा के रहने वाले हैं, और ये अपने बच्चों को, दो जुड़वा बच्चे इनके, ये ज्ञानंजली प्राइवेट स्कूल है वहां पर लगभग दो तीन सालों से वहां पर पढ़ा रहे थे। लेकिन इनका सीधे तौर पर आरोप है परिजनों का कि ये जो परिजन है ये बीपीएल कार्ड धारक हैं, और आरटीजी का जो कानून कहता है राइट टू एजुकेशन का कि बीपीएल धारक बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे प्राइवेट स्कूलों में। कुछ आरक्षित सीटें होती हैं जिनके तहत इन बच्चों का एडमिशन किया जाता है, और इसी के तहत ये बच्चे वहां पर दाखिला लेकर पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन क्योंकि निजी प्राइवेट स्कूलों पर किसी प्रकार की जिला प्रशासन की कोई लगाम नहीं है, जिस कारण से वो मनमानी तरीके से उनसे पैसे वसूल रहे थे। जब उनकी जो आर्थिक स्थिति खराब हो गई तो उन्होंने सीधे तौर पर विद्यालय से अपने बच्चों का नाम कटवाने का प्रयास किया। तो पहले तो विद्यालय ने आनाकानी की, लेकिन जब थोड़ा परिजनों ने प्रेशर डाला तो उसके बाद उनके जो टीसी होती है उस पर चरित्र खराब लिख दिया, जो सीधे तौर पर एक अति संवेदनशील मामला है। क्योंकि ये 10 साल के मासूम बच्चों का आखिर कैसे चरित्र खराब हो सकता है, ये बड़े प्रश्न चिन्ह है। और इससे जो होने वाली तकलीफ है उन बच्चों को, आने वाले जो आगे के जो विद्यालय है उनमें उन्हें एडमिशन नहीं मिल रहा, उनका पूरा भविष्य खराब हो रहा है सीधे तौर पर। सुशांत, आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जब इस स्कूल में बच्चों का एडमिशन किया गया था, क्या उस वक्त स्कूल को नहीं पता था कि बीपीएल कार्ड धारक ये बच्चे हैं, ये परिवार है और फीस चुकाने में असमर्थ है, इसलिए तो बीपीएल कार्ड धारक के हवाले से स्कूल में एडमिशन हुआ है इनका? देखिए सुनील जी, जो पन्ना में जो निजी विद्यालयों की जो व्यवस्था है वो बड़ी लचराई है। यहाँ पर जिला प्रशासन की किसी प्रकार की मॉनिटरिंग नहीं है। अभिभावकों को पता था कि पैसे नहीं लगते, लेकिन चूंकि उन्हें अपने बच्चों को शिक्षा दिलानी है तो कहीं ना कहीं वो विद्यालय के दबाव में आकर 100 रुपए 150 रुपए जिस तरह से जिसको जितने भी पैसे लेते बनते हैं वो निजी विद्यालय लेते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, पन्ना जिले में निजी विद्यालयों की मनमानी इतनी चरम सीमा पर है कि आप ये मान सकते हैं कि जहां पर जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं वो किसी प्रकार का कोई भी मापदंड फॉलो नहीं कर रहे हैं। जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन होती है, क्लासरूमों की व्यवस्था, टीचरों की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, खेल मैदानों की व्यवस्था, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कमीशन खोरी में जो जिला विभाग, जिला शिक्षा अधिकारी के जो विभाग है वो उन्हें परमिशन दे के रखते हैं, और दुकानों की तरह यहाँ पर प्राइवेट स्कूल संचालित हो रहे हैं, जिस कारण से ये स्थिति सामने निकल कर आ रही है। और आरटीजी का पालन, जो कि मध्य प्रदेश सरकार कह रही है कि हमें बच्चों को शिक्षित करना है, पढ़ाना है, लेकिन अगर वहीं दूसरी तरफ बच्चों के
टीसी में ट्रांसफर सर्टिफिकेट में अगर चरित्रहीन चरित्र खराब लिखते हैं और अभिभावकों को भी लिख देंगे तो फिर कैसे बच्चे पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे आगे। सुशांत, सवाल ये भी सामने आ रहा है कि अगर हम बात करें यहाँ पर बच्चों के अभिभावकों की, तो उन्होंने जो बच्चों के पिता हैं उन्होंने कलेक्टर से मुलाकात भी की है, कलेक्टर से गुहार लगाई है। कलेक्टर के द्वारा अभी तक क्या कुछ कहा गया है, क्या ये कहा गया है कानूनी रूप से कोई कार्रवाई की जाएगी स्कूल के ऊपर? देखिए, इस पूरे मामले में जब पन्ना कलेक्टर से बात की गई तो उन्होंने बड़े ही संवेदनशील तरीके से इस पूरे मुद्दे को लिया और तत्काल प्रभाव से इसमें डीपीसी को कार्रवाई के लिए कहा है। लेकिन सवालिया निशान ये खड़े होते हैं कि डीपीसी किस प्रकार की कार्रवाई करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल इन्हीं लोगों के संरक्षण में चल रहे हैं। अगर आज अगर ये परिस्थिति अगर निर्मित नहीं होती, अगर सख्ती से इन लोगों पर कार्रवाई की जाती, प्राइवेट स्कूल जिस तरह से मनमानी तरीके से फीस का स्ट्रक्चर बढ़ा देते हैं, कोई फैसिलिटीज नहीं देते हैं, उसके बावजूद भी इस तरीके की परिस्थिति आती जब कोई बीपीएल कार्ड धारक वहां पर बच्चों का दाखिला करते हैं तो उनसे पैसे की मांग की जाती है, तो कहीं ना कहीं किनके संरक्षण में चल रहा सवाल ये। मैं आपको सुशांत यहां पर रोकना चाहूंगा, हमारे साथ जिला शिक्षा अधिकारी जुड़ चुके हैं कमल कुशवाहा जी। कमल जी, स्वागत है N24 में आपका। कमल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ बताइए। कमल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, पन्ना की बात कर रहे हैं जहां एक निजी स्कूल की करतूत सामने आई है, दो बच्चों की टीसी पर चरित्र खराब लिख दिया गया है, वो भी इसलिए क्योंकि वो फीस नहीं चुका पाए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो परिवार है, जो बच्चे हैं, वो बीपीएल कार्ड धारक हैं। क्या कहेंगे सर आप? अब इस स्कूल की जांच करा रहे हैं हम लोग, हम डीपीसी और हम संयुक्त रूप से कर रहे हैं, और जो भी फैक्ट सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी, सीमांत समाप्त तक की कार्रवाई हो सकती है। लेकिन सर, सवाल ये भी सामने आ रहा है कि क्या स्कूल अपनी मनमानी कर रहा है, क्या शिक्षा की परिभाषा बदल चुकी है? नहीं, अब जो तथ्य सामने आया है तो उसकी जांच करके और कार्रवाई की जाएगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई। ठीक है सर, लेकिन यदि हम यहाँ पर स्कूल की बात करें तो क्या स्कूल को ये हक है इस तरह से बच्चों की टीसी पर चरित्र खराब लिखना, क्योंकि दो बच्चे हैं जो कि चौथी क्लास के बच्चे हैं, आखिर उनका चरित्र कैसे खराब हो सकता है? नहीं लिखना चाहिए, इसके लिए मेरी बात भी हुई है कि आपने कैसे देखा है जी, और इसकी विस्तृत जांच भी कर रहे हैं। ठीक है सर, मैं कानूनी रूप से अगर बात करूं हाई स्कूल की, तो क्या कार्रवाई कर सकते हैं कानूनी रूप से स्कूल के ऊपर? हाई स्कूल नहीं है तो मिडिल प्राइमरी का मामला है, तो माध्यमिक शाला और प्राथमिक शाला की मान्यता जो है यहीं से प्रदान की जाती है जिला शिक्षा अधिकारी स्तर से। लेकिन सर, अगर बात करें यहाँ पर स्कूल की, तो ये भी कहा जा सकता है कि अपनी मनमानी पूरी तरीके से स्कूल प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, और यदि इस मामले में अगर आप लोगों के द्वारा, शिक्षा अधिकारियों के द्वारा कोई कड़ा कदम नहीं उठाया गया, तो ये सिर्फ दो बच्चे हैं लेकिन आने वाले दो बच्चों के अलावा और भी ऐसे कई बच्चे हैं जो फीस नहीं चुका पाएंगे, तो उनकी टीसी पर भी यही कुछ लिखा जाएगा? हाँ नहीं, आप सही कह रहे हैं, इसीलिए तो जांच कर रहे हैं और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी विद्यालय प्रबंधन के लिए। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। विष्णुधर त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डीपीसी हैं आप। विष्णु जी, स्वागत है N24 में आपका। त्रिपाठी जी, पन्ना का ये मामला सामने आया है जहां एक ज्ञानंजलि हाई स्कूल है और फीस नहीं मिलने पर बच्चों की टीसी पर लिख दिया गया है कि चरित्र खराब है, आपकी प्रतिक्रिया? सर, इसमें मेरे संज्ञान में जैसे ही प्रकरण आया सर, मैं अभी भी उसी स्कूल में बैठा हूँ और मैं उनके अभिलेखों का परीक्षण कर रहा हूँ, और ये निश्चित रूप से सर गलत हुआ है। किसी बच्चे के चरित्र खराब करना, 11 वर्ष की उम्र के बच्चों के चरित्र खराब होने की स्थिति बहुत ही आपत्तिजनक है, और कलेक्टर ने इसके लिए समिति गठित कर दी है जाँच करने के लिए, तो समिति जाँच भी कर रही है, और हमने उस बच्चे का टीसी और अंकसूची उसे सुधार करवा करके सुधार करने के लिए निर्देशित किया है। लेकिन सर, सवाल ये सामने आ रहा है सर, बीपीएल कार्ड धारक ये परिवार है, बीपीएल कार्ड धारक का मतलब ये होता है कि आर्थिक रूप से तंगी है, आर्थिक रूप से कमी है, जिसके चलते स्कूल में एडमिशन लिया गया है और फीस भरने में ये परिवार असमर्थ है। आखिर उसके बावजूद भी, सारे नियम कायदों को जानने के बावजूद भी, इस तरह से स्कूल प्रशासन के द्वारा कैसे कोई कदम उठाया जा सकता है जो कि सिर्फ चौथी क्लास के बच्चे हैं, उनकी टीसी पर ये लिख दिया जाता है कि चरित्र खराब है? समझ से परे है ये, क्या ये कहा जा सकता है स्कूल प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है? नहीं सर, इन्होंने निश्चित रूप से गलत किया है। आरटी के साथ जो बच्चे होते हैं उनकी फीस शासन प्रतिभूति करता है और उनकी फीस लेने का इनके कोई हक नहीं है। यद्यपि संस्था वालों का कहना है कि हमने कोई फीस नहीं ली है, कुछ इनका विवाद हुआ था, बातचीत हुई है, जिसके साथ उन्होंने टीसी चाहा है, तब इन्होंने टीसी चाहिए, पर इन्होंने गलत किया है।
और इन्होंने जो किया है उसकी सजा नहीं मिलेगी। सरकार ने इसको संज्ञान में लिया है, सब्जी गठित कर दी है, जांच होगी और निश्चित रूप से इनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। जानकारी ये भी मिल पा रही है कि सर स्कूल प्रशासन के दबाव में जितनी भी फीस होती है उतनी ऐठी जाती है अभिभावकों से? सर ये तो ऐसी स्थिति तो नहीं हुई है कहीं भी, फीस जो आरटी के तहत प्रवेशित बच्चे हैं उनकी फीस कोई कुछ भी ले ही नहीं सकता नियम में है, और अगर ये प्रमाणित पाया जाता है कि इन्होंने फीस भी ली है तो निश्चित रूप से इनसे आरटी एक्ट के साथ इनकी विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सर ये मामला तो मीडिया में आ गया तब जाकर इसका सुर्खियों में बन गया है, लेकिन ऐसे तमाम ऐसे कितने ही मामले होंगे जो कि सामने नहीं आ पाए। लेकिन अब यहाँ पर यदि बात करें पीड़ित परिवार की तो पीड़ित परिवार को न्याय आखिर कब तक मिलेगा? तत्काल सर उसका टीसी तो आज ही मैं देखे अभिभावक पहुंचने वाले हैं, मेरी फोन से बात हो गई है, उनके अभिलेख सुधार करके बनवा लिए गए हैं, आज ही उनके बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। और इस पर मैं पूरे जिले की स्थिति भी देखूंगा, समीक्षा करूंगा सर, और अगर भी कोई दोषी पाया जाएगा तो निश्चित रूप से उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। बच्चों को टीसी कब तक मिल जाएगी सर? अभी सर अब टीसी मेरे सामने रखी हुई है, बनी अनुसूची टीसी तैयार हो गई है, अब अभिभावक से मैंने फोन में बात की है, वो पहुंचने वाले हैं, मैं करीब आधा घंटे एक घंटे से यहाँ बैठा हूँ, जैसे ही आते हैं। चलिए सर उम्मीद यही की जा रहे हैं, आप डीपीसी हैं और आपके द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाए, जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि स्कूल प्रशासन के द्वारा आगे आने वाले वक्त में बच्चों के भविष्य से ऐसा खिलवाड़ न किया जाए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए सुशांत। सुशांत यहाँ आपने सुना होगा हमारे साथ जिला शिक्षा अधिकारी के साथ डीपीसी महोदय भी जुड़े हुए थे, उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि कार्रवाई जल्द से जल्द की जाएगी। और डीपीसी की यदि हम बात करें तो वो खुद स्कूल में इस दौरान मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि ऐसा कुछ सामने आया है तो स्कूल प्रशासन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल ये सामने आ रहा है कि आखिर कैसे जो अधिकारी हैं जो स्कूल प्रशासन है अपने मनमानी करते हैं, क्या प्रशासन के द्वारा कोई लगाम नहीं लगाई जाती, कोई मॉनिटरिंग नहीं की जाती? सुनील सवाल सबसे बड़ा यही है क्योंकि आखिर इन लोगों को हौसले कहाँ से इतने मिल जाते हैं कि आखिर बीपीएल कार्ड धारकों से पैसे वसूलना, दूसरी बात जो व्यवस्थाएं यूपी वहां पर परमिशन देना स्कूल की। तो तौर पर आपको जी मैं आपको रुकना चाहूंगा, हमारे साथ कलेक्टर महोदय जुड़ चुके हैं कर्मवीर शर्मा। शर्मा जी स्वागत है एनडी 24 में आपका। शर्मा जी आपको इस मामले की जानकारी होगी, पन्ना में निजी स्कूल की एक शर्मनाक करतूत सामने आई है, चौथी क्लास के बच्चों की टीसी पर लिख दिया जाता है चरित्र खराब है। सर आखिर कैसे स्कूल प्रशासन आखिर कैसे ऐसे कदम उठा सकता है? क्या शिक्षा की परिभाषा पूरी तरह से बदल गई है या ये कहा जाए बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने की खुली छूट मिल गई है स्कूल प्रशासन को? नहीं, कल शाम को ये संज्ञान में आया था, हमने तुरंत इस पर एक्शन लिया है। कल ही जो शिक्षा विभाग के हमारे अधिकारी है, जिला स्तरीय अधिकारी डीओ डीसीसी वगैरह है, इनको हमने एक कमेटी भी बना दी है, ये जांच पूरी तरह से करेगी इस पूरे मुद्दे को, इवन इससे जुड़े हुए अन्य मुद्दे भी हैं तो उनकी भी जांच ये कमेटी करेगी। साथ में एक्सप्लेनेशन के लिए कल ही नोटिस जारी कर दिया गया है। माता उसके पिताजी से, बच्चे के पिताजी से मेरी चर्चा भी हुई है, तो वो कहीं और एडमिशन चाह रहे हैं, जहाँ वो चाह रहे हैं वहाँ, जिस भी स्कूल में चाहेंगे वहाँ स्कूल में उनका एडमिशन कराया जाएगा। जहाँ तक टीसी में लिखने वाली बात है ये गलत है, और इस पे इसके कारण जो स्कूल जो प्राइवेट स्कूल है उसमें हम कमेटी की जांच रिपोर्ट के बाद एक्शन लेंगे। सर आपसे ये भी समझना चाहूंगा, बीपीएल कार्ड धारक परिवार से जानकारी ये भी मिल पाई है कि जितने पैसे हो सकते हैं उतने ऐठ लिए जाते हैं, जितनी फीस है उतने तो नहीं चुका पाते अभिभावक, लेकिन इसके एवज में 100, 200, 300 रुपए जितने हो सकते हैं उतने स्कूल प्रशासन के द्वारा ले लिए जाते हैं। क्या स्कूल की मॉनिटरिंग नहीं की जाती प्रशासन के द्वारा? नहीं, स्कूल की मॉनिटरिंग लगातार होती है, इसके जो शिक्षक है वो लगातार जाते भी हैं। अभी जो प्रथम दृष्टया निकल के आया है तो स्कूल के लोगों ने इस चीज को लेके जो मेरी अभी डीपीसी से चर्चा हुई है वो किसी भी प्रकार की राशि लेने से मना किया है। यद्यपि ये भी चीज सत्य निकल के आया है कि जो बच्चे के माता पिता है वो बोल रहे हैं कि इस टाइप से राशि मांगी गई है, तो ये दोनों ही चीजें जांच कमेटी जो बनाएगी उसकी तथ्य सामने आएंगे और जांच कमेटी इसको देखेगी पूरी तरह से। वरिष्ठ अधिकारियों की जांच कमेटी बना दी है। सर कानूनी रूप से स्कूल के ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी उसके बाद जो तथ्य सामने आएंगे उसमें एक्शन? कानूनी रूप से क्या कार्रवाई की जाएगी सर स्कूल के ऊपर? जांच कमेटी एक बार रिपोर्ट देते उसके बाद आगे की कार्रवाई। चलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। तो कलेक्टर महोदय ने भी साफ कर दिया है कि कार्रवाई जरूर की जाएगी। सुशांत मैं अब आपसे समझना चाहूंगा, क्या बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है जिस तरह से स्कूल के द्वारा, लेकिन अब जाकर इस मामले को उठाया गया है और कलेक्टर महोदय का भी ये कहना है कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ऐसे तमाम ऐसे स्कूल हैं जो कि बीपीएल कार्ड धारक परिवारों से पैसे ऐंठते हैं, आखिर इन पर लगाम कैसे लगाई जाएगी?
बिल्कुल सुनील, सवाल यही है जो प्राइवेट स्कूल है, जिस तरह से आरटीजी का जो मजाक बना के रखा है इन लोगों ने, इस पर अगर सतर्क मॉनिटरिंग की जाए और इस प्रकार का जो अभी मामला पन्ना में निकल कर आया, समूचे प्रदेश में होगा। आप ये मान के चलें कि हर एक दूसरे स्कूल में इस प्रकार की समस्या होगी, जो गरीब परिवार के बच्चे जो वो एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो उनसे एडमिशन फीस भी वसूली जाती होगी। तो इस मामले को लेकर प्रदेश सरकार को भी सचेत रहना पड़ेगा कि आखिर जो आरटीजी के नियम के तहत जो गरीब बच्चों का एडमिशन दिया जाता है वो निष्पक्षता से दिया जाए और उनको उनसे किसी प्रकार की फीस न वसूली जाए, क्योंकि सरकार उसके एवज में उनको उतना पैसा देती है और ये कहीं ना कहीं एक बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार भी है सीधे तौर पर प्राइवेट स्कूलों का, और कहीं ना कहीं बड़े जो राजनीतिक जो लॉबी होती है इसका भी कहीं ना कहीं निजी प्राइवेट स्कूलों में संरक्षण होता है, जिस कारण से इनको इतनी मजबूती मिलती है गलत काम करने की। चलिए सुशांत, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। तो अब देखना होगा कि इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई की जाएगी। हालांकि तमाम अधिकारी हमारे साथ जुड़े रहे जिन्होंने बोला कि अब कानूनी रूप से स्कूल के ऊपर कार्रवाई की जाएगी।